भाई आप सोशल मीडिया पे वीरू भाई तो खैर खासे एक्टिव रहते हैं. हमारी जो हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स नीचे नीचे करते रहते हैं और आपके तो खुद के इतने फनी होते हैं तो आपके पास जब टाइम नहीं होता पढ़ने का तो हमारी एक बहुत बड़ी टीम है दो लोगों की जो फ्री रहते हैं तो वो ऐसे कमेंट्स निकालते हैं. हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ. प्लीज हैव अ लुक. तो वीरू भाई ने ये फोटो डाली है, उस पर लिखा है तीन चीजें बड़ी मायने रखती हैं, चाय, चाय का रंग, चाय का स्वाद. नीचे कमेंट आया और चाय वाला भी रखता है भाई. ओ एक और नीचे कमेंट आया, लिखा है बैटिंग में मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो या मेरे करियर के खिलाफ हो. वही जॉन राइट वाली बात. हाँ. मैंने तो करना है. हाँ. और भी है सर, आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है मेरी तरफ से, आप लॉक हैं, हीरोइन लाने की जिम्मेदारी आपकी, फीस के साथ प्रॉफिट में शेयर भी दिया जाएगा. अच्छा किसी और ने रिप्लाई किया है, वैसे विलन में नेहरा कैसा रहेगा. सरकार फोर में दिखेंगे सहवाग, पता चलने पे बिग भी नाराज. Delightful conversation with a wonderful person. ऐश्वर्या जी ध्यान रखना, ये फील्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी करते. नीचे किसी ने लिखा वाह भाई वाह, ऐश तो आपकी है. एक और ने लिखा इनकी नहीं, अभिषेक की है. और भाई इतनी खुली हुई आंखें पहली बार देखी है. अपनी वाइफ के साथ भी कभी इतनी खुश होकर फोटो खिंचवाई है. वाकई कह भाई बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे हैं आप. कहाँ से वापस आ रहे थे आपने जो फोटो ले ली? ये दिल्ली से मुंबई. अच्छा सर, पायलट का ध्यान रखना, वो बार बार आएगा इन्हें देखने. लोग भी वैसे क्या क्रिएटिविटी है ना. अच्छा आपको फ्लाइट भी याद है ना, दिल्ली से मुंबई आ रहे थे. अच्छा वीरू भाई ने डाला दादा की गाड़ी में सवार होके दादा के साथ ही राइड पर, दैट्स वर्स द राइड वाज विद सौरव गांगली फॉर दोज 5 years. विश यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस दादा इन द कमिंग ईयर. जय वीरू की जोड़ी, गेंदबाजों की कमर तोड़ी. राइमिंग दादा को टीम से बाहर ले जाते हुए. गांगुली के राइट हैंड में तीन ही उंगली है, बाकी की दो कहाँ है सहवाग. अच्छा लोग कितना डिटेलिंग देखो, फोटो एडिटिंग ही करनी थी तो एंजेलिना जोली को बिठाते. जल्दी भाग वीरू, 8 बजे ठेके बंद हो जाएंगे. और दिखाइए, मजे करो पार्टनर, इट हैज बीन ए लॉन्ग जर्नी ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मे यू कंटिन्यू टू शाइन एंड इंस्पायर, विशिंग यू हैप्पीनेस. नीचे लिखा है कैफ बी लाइक, लड़की लाइन पे आ जाए तो मुझे दे देना. अच्छा कैफ बी लाइक, ऐसा क्या ऑर्डर कर लिया जो दोनों इतने खुश हो. बीसीसीआई के खर्चे पे आईएसडी कॉल लगा रहे हो क्या. एक्टिंग करा यूवी. यूवी एक्टिंग कर रहे हैं. फोटो शूट था, एक्टर तो पहले से था युवराज सिंह. ये फोटो शूट था, इसने उठा के ऐसे कर दिया और सामने से किसी ने फोटो लिया, अब याद आ गया. अच्छा ट्रंप को कोविड से निपटने के लिए बाबा सहवाग का आशीर्वाद. नीचे लिखा है बाबा आपका आशीर्वाद लग गया, ट्रंप हार गया. बीवी से छुटकारा दिलवा सकते हो, दक्षिणा जो आप मांगो. ये तूने लिखा होगा. अरे मैंने नाम हमने ब्लर क्यों है, मेरा नाम होता तो वो स्पेलिंग लंबे होते. नीचे किसी का रिप्लाई है बीवी से छुटकारा दिला सकते तो बाबा थोड़ी ना बनते. एक और कमेंट, अच्छा ऐसे कमेंट हमेशा आते हैं, अकेले हो दोस्ती करोगे. चटपटी बातों के लिए डीएम करें. ओ आगे हैप्पी बर्थडे बज्जी बाजी, मस्त रहो खुश रहो. हाँ हैवे आंखें खोलो, गीता बसरा ने हाँ कर दी है. किसी ने लिखा टाइम से शादी ना करने के साइड इफेक्ट.
तो ये था हमारा पोस्ट का पोस्टमार्टम. क्या बात है. कैसी हो अर्चना पुरन सिंह? I'm fine sir. सर ठीक चल रहा है? क्या सर? अरे 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 मोहम्मद के वीरेंद्र सहवाग. वही आज तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कपिल शर्मा के शो में आया हूँ या कपिल देव के शो में. मैं बैठ जाऊँ? हाँ प्लीज वकील साहब आइए. हाउ स्वीट वाज यू यार. ही इज सच अ काइंड मैन. Myself was Damodar Jeth Malani. प्यार से आप मुझे दामोदर जेठ मालानी भी कह सकते हैं. तो ये तो एक ही बात हुई. तो यार मैं एक ही बात करता हूँ. डबल स्टैंडर्ड रखने वाला इंसान नहीं हूँ मैं. सहवाग सर, कैफ सर, I'm a huge fan. Huge fan. Huge fan. पटना जाना कहीं? नहीं, नहीं. आप मिले पहले इनसे कभी? जानते हैं आप दोनों को? नहीं, जानते हो? इनको कौन नहीं जानता है? मोहम्मद कैफ साहब एक शेर हो जाए. अरे? अरे वो क्रिकेटर है वकील साहब. क्या बात कर रहे हैं आप? तो ठीक है एक छक्का हो जाए. वीरेंद्र सहवाग सर, आपके सामने माना एक बात रखना चाहूंगा. मेरा एक जो अपना ये मेरे टांग पे टांग आपसे रखी नहीं जा रही और बात रखेंगे आप इनके सामने. वैसे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बुआ का लड़का है, उसने 6 का पहाड़ा आपकी वजह से सीखा. कैसे? नहीं सर, क्रीज पे आते हैं, बैटिंग करते हैं, पहली बॉल 6, अगली बॉल पे स्कोर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30. लेकिन यार मेरा वो बुआ का लड़का सर फेल भी आप ही की वजह से हुआ. क्यों? वो कैसे? फिर आपने अचानक 1 रन ले लिया ना, पूरा पहाड़ा गलत हो गया उसका. वकील साहब यही फालतू बातें करने आए हैं आप? ठीक है मैं काम की बात करता हूँ. सर आए हुए लॉयर, तो मैं प्रोफेशन में ना पेटेंट भी कराता हूँ. मैं आपको एक सजेशन है मोहम्मद कैफ जी. जी मैंने देखा है आप जो फील्डिंग करते हैं ऐसे डाइव लगाते हैं, बड़ी सी डाइव, तो आपकी डाइव को ना हम पेटेंट कर देते हैं. मतलब मोहम्मद कैफ डाइव, आज के बाद दुनिया में कहीं भी कोई भी डाइव करेगा जो भी पैसे कमाएगा वो आपके हाथ में. ऐसा कोई किसी और की कुर्सी पे भी डाइव करके पैसे कमा रहा हो? वकील साहब नहीं कराना उनको पेटेंट कुछ भी. पेटेंट नहीं कराना, पेंट करा लो यार. आपके घर के दीवारें पेंट कर दूंगा, पुट्टी लगवा लो यार. मेरे पास देखो यहाँ पे सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेल भी लाया हूँ, मसाज करवा लो. बोनी करवा दो प्लीज, कुछ करवा लो. मसाज यहाँ सर, मैं मसाज भी अच्छा करता हूँ. डीप टिश्यू. वकील साहब ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो आप? वकील से शुरू हुए मसाज पे आ गए आप. देखो यार शर्मा, यू बिजनेस माइंड द योर ओन. What? Mind the your the on business the on your own. वकील साहब माइंड योर ओन बिजनेस होता है. होता होगा यार. बात समझ में आ गई है तो माइंड कर लो ना यार. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.